दस्तरखान रेसिपी हब में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट रेसिपी आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे चिकन मंचाओ सूप। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पैन हमारा गर्म है, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। वन टेबलस्पून चॉप जिंजर ऐड करेंगे, साथ में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 टेबलस्पून चॉप्ड ग्रीन चिली, 2 मिनट तक इसे सौते कर लेंगे। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। अब इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, 1/4 कप कैबेज, 1/4 कप कैप्सिकम, 1/4 कप कैरेट। सभी वेजिटेबल्स को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसे भी 2 मिनट तक इसे सौते कर लेंगे। वन टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे, मिला लेंगे इसे भी। चिकन स्टॉक ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने 3 कप चिकन स्टॉक लिया है। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे एक उबाल आने देंगे। अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें हम 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, मिला लेंगे अच्छे से। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। एक अंडा लेंगे, इसे अच्छे से फेंट लेंगे। चिकन ऐड करेंगे, 150 ग्राम चिकन लिया है और उसे मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को श्रेड कर भी ऐड कर सकते हैं। और जो अंडा हमने फेटा था उसे भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे भी। वन टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी स्लरी बना लेंगे। कॉर्नफ्लावर की स्लरी सूप में ऐड करेंगे। अच्छे से मिलाएंगे इसे ठीक होने तक। थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। लीजिए, हमारा चिकन मंचाओ सूप रेडी है। आप इसे जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।